नमस्कार दोस्तों, WhatsApp में कुछ नए फीचर्स आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। नए फीचर्स मतलब जैसे कि WhatsApp में जो वीडियो कॉल्स होते हैं, वीडियो कॉल्स में आप स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, या तो फिर अगर आप करते हो तो सामने वाले को नोटिफिकेशन चला जाएगा, बहुत ही जल्दी आने वाले। तो ऐसे में कुछ जो कपल्स होते हैं उनके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर क्या प्राइवेट वीडियो कॉल जो है वो करना सेफ होगा, क्योंकि पहले जो कोई रिकॉर्ड कर लेता था बाद में ब्लैकमेल करता था, अब तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है अच्छा, या फिर रिकॉर्ड होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो मैं उन तमाम लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्राइवेट वीडियो कॉल करने से पहले इन बातों को दिमाग में डाल लेनी चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ कि प्राइवेट वीडियो कॉल्स करने से पहले एक चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर आप बच सकते हो, हमेशा 100% बच जाओगे, बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप में वीडियो कॉल जब हो रही है, तीन खतरे हैं इसमें। पहला जो है काफ़ी कमजोर सा खतरा है, जैसे कि खुद व्हाट्सएप, यानी कि एक वीडियो कॉल जब हो रही है दो लोगों के बीच में, तो यहाँ तीसरा कौन है? व्हाट्सएप के जरिए से हो रही है, तो तीसरा है व्हाट्सएप यहाँ पे। तो ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि मतलब व्हाट्सएप में तो सारे कुछ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो ऐसे में क्या व्हाट्सएप हमारी वीडियो कॉल्स को रख सकता है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन टेक्नोलॉजी पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ, करता हूँ लेकिन उस लेवल का नहीं जहाँ मेरी प्राइवेट चीज़ें जो है उनके हवाले में कर दूंगा और मैं कहूँगा कि नहीं भैया ये जो है कि काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, नहीं इस पर नहीं। लेकिन आप सोच लो कि व्हाट्सएप ऐसा कभी करेगा नहीं। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है, आपने थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, जैसे कि प्रो ऐप्स या फिर मॉडिफाइड एपीके फाइल्स जिनसे कि आपको एड्स वगैरह नहीं आते, तो या फिर कुछ ऐसा ऐप आप किसी और की कॉल डिटेल्स वगैरह निकालने के लिए या तो फिर किसी और की जानकारी लेने के लिए कुछ इस तरह के ऐप्स होते हैं, या तो फिर कोई ऐसा मालवेयर ऐसा वायरस आपके फ़ोन में है जो आपकी जानकारी उसके डेवलपर तक पहुँचा रहा है, तो वो ऐसे में क्या कर सकता है? आपके स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकता है या स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके वो भेज सकता है उस डेवलपर तक। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि व्हाट्सएप में नई अपडेट आने के बाद ये सब कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ भी मार खा रहे हो, यहाँ भी गलत हो। कैसे? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम कॉल करते हैं, जो रिकॉर्ड किसी का कॉल को करते हैं, नॉर्मल ऑडियो कॉल को तो रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके पास नोटिफिकेशन जाता है ना, सुनाई देता है उसको, आप उसको बंद कर सकते हो। यानी कि टेक्नोलॉजी ऐसा चीज़ है जहाँ पे ताला बनने से पहले उसकी चाबी जो ऑलरेडी बन चुकी है, तो ऐसे में हो सकता है कि उसका भी कोई तरीका निकल जाए, इसलिए यहाँ भी आपके लिए खतरा है। चलिए थर्ड वाला जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा सबसे खतरनाक खतरा है, वो ये है कि आप जिनसे बात कर रहे हो सकता है आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हो। अब आप कहोगे कि भैया ऐसा तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड तो होगा नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज आप इस फ़ोन से वीडियो चैट कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, वो न्यूड वाला, वो प्राइवेट वाला, इस फ़ोन से आप कर रहे हो, ये फ़ोन जो है साइड में रखा हुआ, इस फ़ोन से कोई रिकॉर्ड कर रहा है आपकी फ़ोन को, तो ऐसे में क्या ये नहीं हो सकता है? क्या रिकॉर्ड किया नहीं जा सकता है? हो सकता है, ब्लैकमेलिंग के काम में यूज हो सकता है। अब कुछ लोगों को अपने पार्टनर्स पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि उनको वो कहेंगे कि ब्लैकमेल ये कर ही नहीं सकता, ये मर जाएगा, लेकिन मुझे कभी ब्लैकमेल, मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मैं भी मान लेता हूँ कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन क्या उसको टेक्नोलॉजी की इतनी समझ है? वो इस चीज़ को रख सकता है संभाल के? इसको रखने लायक वो है? आपने अपनी इज्जत जो है उनको उनके फ़ोन में दे दी, क्या वो रख सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? उनका कोई ऐसा खास दोस्त है जिसके पास उसके फ़ोन की एक्सेस हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दोस्त है जो पासवर्ड जानता हो, जिसने खोला फाइल सेंड कर दी, उसके लिए आप इंपॉर्टेंट हो सकते हो, लेकिन उसकी दोस्त के लिए आप तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हो, तो हो सकता है वहाँ से भी आपकी डाटा जो लीक हो सकती है, या तो फिर उसकी फ़ोन में रखी हुई है और उसने कोई एक ऐसा ऐप को डाउनलोड किया जिससे कि वो हैक हो गया, इसमें भी आपको खतरा है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो जवाब है दोस्तों, वो जो 2 साल पहले था, आज इतने सारे अपडेट्स आने के बाद भी मेरा जवाब वही है कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल से आपको खतरा ही है। लेकिन जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा अटपटा सा है, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आप सुन लो शायद काम आ जाए। जब भी कभी आपको इस तरह के कॉल्स करने का मन करे, तो जो कॉल, जो कन्वर्सेशन पहले आप लोगों में हो रही है, बातचीत हो रही है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने जो है मतलब वीडियो कॉल शुरू किया और शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होता है, तो उसमें क्या करें, आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें, उसके बाद फिर से कॉल करें, फिर कॉल करके आप जो है उसमें फेस को ना दिखाए, बाकी जो सारी हरकतें करना है आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जो है आपका चेहरा नहीं दिखता है, तो जाहिर सी बात है आप इसमें बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है आपका। साथ में बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर हम जो है इससे पहले हमने वीडियो कॉल किया हुआ था काफ़ी दिन पहले, तो अब क्या हमें कोई खतरा है, या फिर कुछ मतलब काफ़ी डर के लोग जो है मुझसे पूछ रहे हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि देखिए जो हो गया सो हो गया, अगर आज तक कुछ हुआ नहीं है तो आगे भी नहीं होगा, आप ऐसा समझ सकते हैं, तो बिंदास रहिए, आराम से रहिए, आगे से मत करिएगा इस तरह के। चलिए आपके मन में और भी कोई सवाल है या आपके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो आप कॉमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू।